मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी। भाजी असी अपना मंग पत्र जिहड़ा डीसी साहब नूं दे आए आ, उह हुण विचार करनगे इहदे बारे। ते अज असी तुहानूं दस रहे हां वी प्रदर्शन कीता है अपना ग्राउंड खिलाउण वास्ते। तो सारे जणे इकट्ठे हो गए, सारे जणयां ने बेनती की डीसी साहब नूं ते अपना मंग पत्र दे के आए डीसी साहब नूं कि ग्राउंड खोल दी जाए। प्रदर्शन के दर्शाया गया कि जो ग्राउंड हले तक खुली नहीं आ, सरकार के हुक्मों तक बंद सी। जिवें पिछला लॉकडाउन करोना वेव टू आई सी उहदे कारण बंद कर दी गई सी, जिम भी बंद कर दिए गए सी, जिम भी खोल दिए गए, होर भी बहुत सारिया चीज़ा जो खोल दी गई। सो सरकार नूं प्रशासन नूं यही बेनती आ कि साडा गुरु नानक स्टेडियम जिहड़ी ग्राउंड आ उह वी हुण खोल दी जाए। सानूं आस आ जी डीसी साहब ते पूरी उह खोलणगे, सुणगे साडी बेनती नूं, प्रवान करनगे जी। सर मेरा नाम जगरूप सिंह है, ठीक है। आप कई सालों तो गुरु नानक स्टेडियम के प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो असी डीसी साहब नूं मंग पत्र देन जा रहे हैं, जिहदे विच लिखा है कि कई महीनों तो करोना महामारी के कारण ग्राउंडा बंद ने, जबकि हुण सारा अमृतसर शहर खुल चुका है। इस तों इलावा कई ग्राउंडा ओपन हो चुकी ने, जिवें कि यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तरन तारण वाली ग्राउंड खुल चुकी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वेरके वाली ग्राउंड ओपन हैगी है, कंपनी बाग ओपन है। असी भी मंग करते हैं कि असी शुरू तो ही इत्थे ही फिजिकल की तैयारी करते आ रहे हैं, तो इसलिए साड़ी जिहड़ी गुरु नानक स्टेडियम आ वो ओपन की जाए। नहीं बिल्कुल होएगी, सानूं बहुत उम्मीद है डीसी साहब तो। वह आप जिले के बच्चे हैं, वो साडे जिले के मालक ने, आप बेनती कर जा रहे हैं। बिल्कुल पूरा पूरा यकीन है कि साड़ी मंग अज असी इतों गुरु नानक स्टेडियम तो लैके तो नावलती तक रोड पर रोड शो किया, जिस दे विच तुसी देख रहे हो कि डीसी साहब जी नूं बेनती कर रहे हैं। जां एक वड्डा बैनर हैगा उहदे विच वी इहो लिखिआ कि असीं जिले के बच्चे हाँ, वो साडे जिले के मालक ने, इस करके उहदे विच इहो है कि बेनती करते हैं कि साडी सुनवाई की जाए। नौजवान मुंडे ने जिहड़े सवेरे शाम जिहड़ा वा ग्राउंडां विच खेडां दी तैयारी करते हैं, इन्हां दी मंग है कि जिहड़े खेड स्टेडियम ने खोले जाण सरकार वल्लों असीं तां जो अपनी खेडां दी तैयारी कर सकीए। ये डीसी साहब मिलना चाहते हैं, इन्हों डीसी साहब ने मीटिंग करा देंगे, जो भी डीसी साहब हुक्म जारी करेंगे उस मुताबिक फिर अगली कार्रवाई की। सरकार वालों कहा गया कि प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, कल भी चंडीगढ़ किया गया, अकाली दल के जो बड़े नेता ने उन्होंने परचे दर्ज हुए, अरेस्ट किए गए हैं, कि इन्हों भी इस तरह होएगा सर? बिल्कुल जी, ये स्टूडेंट ने विद्यार्थी ने छोटी उम्र के ने, इन्हों समझाने भी कोविड के हुक्म की पालना कर, जे नहीं समझे तो फिर इन्होंने भी कार्रवाई की जाएगी।